बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं। देहरादून में जहां लड़की की हत्या का मामला है और उसे हत्या के बाद जलाया गया है, शिनाख्त ना होने से बचने के लिए उसके शव को बुरी तरह से जलाया गया है। पुलिस ने वारदात पर पहुंचकर मौके से जला हुआ शव बरामद किया है, जांच में जुट गई है पुलिस देहरादून की। इस वक्त की बड़ी खबर, लड़की का शव मिला है जला हुआ। ज्यादा जानकारी लेते हैं विनोद से। विनोद, ये बताइए क्या है मामला और इन्वेस्टिगेशन कहां तक पहुंची है? जी देखिए सुनैलता, ये पूरा मामला राजधानी देहरादून के पटेल नगर क्षेत्र का है। एक बूटी गांव इलाके में ये इस घटना को अंजाम दिया गया है और ये 22 वर्षीय लड़की है। फिलहाल अभी इसकी शिनाख्त अभी इसी रूप में हुई है। हालांकि अभी फिलहाल जिस तरह से इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है, बड़ी दर्दनाक घटना है। पहले इस लड़की को धारदार हथियारों से काटा गया है, इसके पूरे शरीर को टुकड़े कर दिए गए हैं, फिर उसको शिनाख्त ना हो इसके कारण फिर इसको जलाया गया है। फिलहाल इसका शव को फिर पुलिस ने अभी अपने कब्जे में ले लिया है। पंचनामा की कार्रवाई पुलिस अभी कर रही है, लेकिन पूरे इलाके में दहशत का माहौल है और पुलिस ने कहीं अपनी जांच में पूरी तरह से टीम गठित करके अलग अलग इलाकों में भेज दी है और जितने भी इलाकों के CCTV है वो कंगाले जा रहे हैं। और ये मामला पूरे लगातार अभी 2 दिन पूर्व का माना जा रहा है, क्योंकि जो लाश अभी पुलिस ने प्राप्त की है उसमें पूरी तरह से लाश का अभी लगभग 2 या 3 दिन पहले इस घटना को अंजाम दिया गया है। लेकिन इतना जरूर है पूरे इलाके में सनसनी का माहौल। बिल्कुल बिल्कुल विनोद, क्योंकि शांत माना जाता है, इस तरह के जघन्य अपराधों की खबरें नहीं आती हैं। इस तरह से टुकड़े टुकड़े कर किसी महिला की लाश को जलाने की कोशिश, इतनी बुरी और बर्बरता दिखाई गई है। यहां पर आसपास जो CCTV फुटेज मिले उससे कहीं कोई सुराग नहीं, और क्या यहां पर किसी को कुछ भी नहीं पता चला? पता कैसे चला कि यहां लाश है? जी जी देखिए, ये पूरा जो इलाका है वो ग्रामीण क्षेत्र है और ऐसे में लगातार जिस तरह से वहाँ पे लोग हैं, आवासीय लोग, उनसे भी पूछताछ पुलिस कर रही है, लेकिन अभी फिलहाल महिला के बारे में कोई शिनाख्त नहीं हो पाई है। इसे थोड़ा सा ये अंदाजा लगाना जरूरी है कि आखिरकार महिला कहीं बाहरी महिला हो या वहां पर रह रही थी, तो तमाम ऐसे एंगल पर पुलिस काम कर रही है। लेकिन इतना जरूर है कि कोई वो स्थानीय महिला नहीं है। अगर स्थानीय महिला होती तो जरूर उसके बारे में अभी कुछ ना कुछ शिनाख्त जरूर हो पाती, लेकिन इतना है कि बड़ी घटना है और बिल्कुल घटना को अंजाम दिया है। जो हत्यारे हैं उनके पीछे पुलिस लगी है, जितने भी इलाके के अलग अलग मार्ग हैं उन पर। बिल्कुल विनोद, ये पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है और इसमें कामयाबी पाना ही होगा, क्योंकि इस तरह से बर्बरता, इस तरह की हत्या करने वाले समाज में खुले नाम नहीं घूम सकते हैं। उनकी जगह जो सलाखे हैं उनके पीछे पहुंचाना ही होगा। शुक्रिया विनोद जानकारी के लिए। सबसे पहले खबरें पाने के लिए ABP गंगा को YouTube पर सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए। फेसबुक पेज है www.facebook.com/abpgangaट्विटर पर भी फॉलो कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/abpgangaट्विटर।